मेरे प्यारे देशवासियों, नवरात्रि के साथ ही आज से त्योहारों का माहौल फिर एक बार नए उमंग, नई ऊर्जा, नया उत्साह, नए संकल्प से भर जाएगा। फेस्टिवल सीजन है ना, आगे कई हफ्तों तक देश भर में त्योहारों की रौनक रहेगी। हम सभी नवरात्रि महोत्सव, गरबा, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, भैया दूज, छठ पूजा, अनगिनत त्योहार मनाएंगे। आप सभी को आने वाले त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। त्योहारों में परिवार के सब लोग साथ आएंगे, घर खुशियों से भरे होंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन त्योहारों की खुशियों से वंचित रह जाते हैं, और इसी को तो कहते हैं चिराग तले अंधेरा। शायद ये कहावत सिर्फ शब्द नहीं है, हम लोगों के लिए एक आदेश है, एक दर्शन है, एक प्रेरणा है। सोचिए, एक तरफ कुछ घर रोशनी से जगमगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी के सामने आसपास कुछ लोगों के घरों में अंधेरा छाया होता है। कुछ घरों में मिठाइयां खराब हो रही होती हैं, तो कुछ घरों में बच्चे मिठाई को तरसते हैं। कहीं अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं होती, तो कहीं तन ढकने की मशक्कत चलती है। क्या इसे चिराग तले अंधेरा नहीं कहेंगे? यही तो चिराग तले अंधेरा है। इन त्योहारों का असली आनंद तभी है जब यह अंधेरा छटे, यह अंधेरा कम हो, उजियाला फैले, हम वहां भी खुशियां बांटे जहां अभाव है, और यह हमारा स्वभाव भी हो। हमारे घरों में मिठाइयों की, कपड़ों की, गिफ्ट्स की जब डिलीवरी इन हो, तो एक पल डिलीवरी आउट के बारे में भी तो सोचे। कम से कम हमारे घरों में जो अधिकता में है, जिसको अब हम काम में नहीं लेते, ऐसी चीजों की तो डिलीवरी आउट जरूर करें। कई शहरों में कई एनजीओज, युवा साथियों के स्टार्टअप्स ये काम करते हैं। वो लोगों के घरों से कपड़े, मिठाइयाँ, खाना सब कुछ इकट्ठा कर जरूरतमंदों को ढूंढ ढूंढ करके उन तक पहुंचाते हैं और गुमनाम गतिविधि करते हैं। क्या इस बार त्योहारों के सीजन में पूरी जागरूकता और संकल्प के साथ इस चिराग तले अंधेरे को मिटा सकते हैं? कई गरीब परिवारों के चेहरे पर आई मुस्कान त्योहारों पर आपकी खुशियां दो गुना कर देगी। आपका चेहरा और चमकेगा, आपका दिया और प्रकाशमान हो जाएगा, आपकी दिवाली और रोशन हो जाएगी।